नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। एक बार फिर से एक छापेमारी की खबर निकलकर सामने आई है। एक बार फिर से बिहार के एक भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर गाज गिरी है और आय से अधिक संपत्ति का मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में इस बार जो मुसीबत है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार के सर पर जा गिरी है, जिनके अब कई ठिकानों पर रेड की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। पूरी खबर क्या है आपको आगे विस्तार में बताते हैं। भ्रष्टाचारी अफसरों कर्मियों पर हल्ला बोल के क्रम को आगे जारी रखते हुए निगरानी विभाग की टीम ने मसौढ़ी में पद स्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता अजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें अकूत संपत्ति का पता चला है। जांच में करोड़ों की चल अचल संपत्ति का पता लग चुका है और जांच अभी भी जारी है। शनिवार की सुबह निगरानी की टीम डीएसपी एस के महुआर के नेतृत्व में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार के मकान में जब छापेमारी करने के लिए पहुंची तो दंग रह गई। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके के रोड नंबर 7 में कार्यपालक अभियंता ने 4 मंजिला आलिशान मकान बना रखा है। तकरीबन 50 से 60 लाख कैश, 1.5 से 2 किलो सोना, चांदी की ईंट, एक दर्जन से अधिक पोस्ट ऑफिस के पासबुक जिसमें लाखों रुपए जमा है, बैंकों के पासबुक एक दर्जन के लगभग, जमीन के प्लॉट, LIC समेत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में निवेश समेत कई अन्य चीजें भी बरामद की गई है। दरअसल निगरानी विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक 86 लाख रुपीज का केस अपने थाने में दर्ज किया था। न्यायालय में सर्च वारंट मिलने के बाद उनके ठिकानों पर शनिवार को छापेमारी की गई। निगरानी की कार्रवाई से बिहार के भ्रष्ट अफसरों में अब लगातार हड़कंप मचा हुआ है। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि इस साल अब तक तकरीबन 1 दर्जन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केवल निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार बिहार में ऐसे भ्रष्ट अफसरों के घर पर छापेमारी का सिलसिला चलता ही रहता है और बड़े बड़े खुलासे होते रहते हैं। हाल में ही एक मामला और सामने आया था जहां समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार जो है उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी और करोड़ों की संपत्ति के बारे में जानकारी सामने आई थी। और अब ये मसौढ़ी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भंडाफोड़ हुआ है, जहां प्रॉपर्टी का खुलासा तो हुआ ही है, साथ ही साथ 50 से 60 लाख कैश भी बरामद किया गया। इसके अलावा सोना और चांदी भी भारी मात्रा में जब्त अब तक की जा चुकी है, लेकिन अभी भी जांच चल रही है और ज्यादा खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो जांच हुई है उसी में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज, इतनी सारी चीजें निकलकर सामने आ चुकी है और लगातार इस वक्त भी जांच चल रही है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्या और बड़े खुलासे होते हैं, सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और जो कुछ भी अपडेट आएगी वो हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।